चलिए सब लोग ओंकार करेंगे। सीधा बैठ जाइए, सुखासन पद्मासन जैसे भी हो, कमर सीधी गर्दन सीधी, सांस भरिए। मेरे पीछे तो हो रहा है, ओम ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेवतीर्यन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना ॐ ब्रह्मार्पणम् ब्रह्मवि ब्रह्माग्नौ ब्रह्माहुतम् ब्रह्मेव तेन गन्तव्यम् ब्रह्मकर्म समाधिना लंबा गहरा सांस अंदर, लंबा गहरा सांस बाहर। हर श्वास में ब्रह्म का भाव, ब्रह्म से लीजिए, ब्रह्म से छोड़िए। मन में जाप करना बिना होठों को हिलाए और योग निद्रा ध्यान करिए। अपने शरीर को शुद्ध कीजिए मंत्र चैतन्य से। जो भी ज्वाइन कर रहे हैं म्यूट रखें। पैर के अंगूठों से एड़ियों तक मन को एकाग्र करें। एड़ियों से घुटनों तक मन को एकाग्र करें और हर श्वास में ब्रह्म का जाप।
घुटनों से जंघा से होते हुए रीढ़ के अंत में टेल बोन पर मूलाधार चक्र पर एकाग्र करें। लंबा सांस अंदर, लंबा सांस बाहर। सभी लोग म्यूट रखें। टेल बोन से जेनिट्री एरिया यूरिनरी पॉइंट पर एकाग्र करें। स्वाधिष्ठान चक्र। टेक ए डीप एंड लॉन्ग ब्रेथ। हर श्वास में ब्रह्म का जाप। ब्रह्म से लेना, ब्रह्म से छोड़। नाभि पर एकाग्र करें। नाभि के पास के सभी अंग, लीवर, किडनी, पैनक्रियास, छोटी आंत, बड़ी आंत, माताओं में गर्भाशय, सबको एकाग्र करते हुए नाभि के मध्य में मन एकाग्र करते हुए मणिपुर चक्र अग्नि तत्व को जागृत करें। हर श्वास में ब्रह्म का जाप। धीरे धीरे मन को हृदय के मध्य में लाएं, छाती के मध्य में, और हृदय और फेफड़ों को जागृत करते हुए अनाहत चक्र को जागृत करें। ब्रह्म के नाम से मन में ब्रह्म का जाप करते हुए मन को कंठ पर लाएं। विशुद्ध चक्र। हर श्वास में ब्रह्म का जाप। गर्दन कंधे तक ऊर्जा को प्रसारित करें। गर्दन से ऊपर चेहरे पर मन एकाग्र करते हुए दोनों आंखों के बीच आज्ञा चक्र, और आपके संपूर्ण चेहरे, आपके दाढ़ी, होंठ, गाल, कान, नाक, आंखें, भौं, ललाट और मस्तिष्क को ऊर्जावान्वित करें। यू रेजुवेनेट योर चिन, लिप्स, चीक्स, ईयर्स, नोज, आईज, आईब्रोज, फॉरहेड एंड द ब्रेन एंड योर होल फेस इज ग्लोइंग। आपके संपूर्ण चेहरे पर एक विशेष आभा और शांति और कांति है। लंबा सांस अंदर ब्रह्म के साथ, लंबा सांस बाहर ब्रह्म के साथ। मस्तिष्क के ऊपर सहस्रार चक्र, ब्रह्म भाव, संपूर्ण शरीर को एक दिव्य प्रकाश के रूप में ऊपर से नीचे देखें। हर श्वास में ब्रह्म का जाप और अंत में हृदय के मध्य में मन एकाग्र। और हर श्वास में ब्रह्म का नाम देते हुए प्रार्थना करेंगे। हाथ जोड़ लें, मेरे पीछे दोहराएंगे। नित्यम शुद्धम निराभाषम निराकारम निरंजनम नित्यबोधम चिदानंदम गुरुर्ब्रह्मा नमाम्यहम्। त्रिकुटी को स्पर्श करें अपने जुड़े हाथ के अंगूठों से, और फिर जुड़े हाथ के अंगूठों को नीचे लाकर हृदय को स्पर्श करें।
ऊपर ले जाएं फिर नीचे लाएं, दोनों आंखों के बीच स्पर्श करें, फिर छाती के मध्य में स्पर्श करें। आई सैल्यूट माई कॉन्शियसनेस विद द लव ऑफ माइंड, मैं अपनी आत्मा को हृदय से प्रणाम करता हूँ, करती हूँ, ऐसा सोच। रब योर हैंड्स, आपके हाथ में जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से सेल्फ रे की अपने शरीर को गुणान्वित करें, रेजुविनेट विद द एनर्जी विच इज देयर इन योर हैंड्स आफ्टर मेडिटेशन, जस्ट टच एंड मसाज स्लोली ऊपर से नीचे, कान का मालिश, मसाज गर्दन, बाजू एंड लेग्स। ओपन योर आईज एंड आराम से बैठ जाइए। सबको नमस्कार, सब लोग अनम्यूट करके अभी अपने बारे में बताएंगे। और भी आज हम लोग इंट्रोडक्शन करेंगे, कोर्स के बारे में चर्चा करेंगे, अगर हो गया तो इधर सुनाए। तो ठीक है, तो हमारे साथ जो हमारे योगाचार्य सुमित जी हैं वो भी बैठे हैं, तो सभी को मेरा नमस्कार। ठीक है, तो आप लोग का किसका किसका वीडियो, अनुपमा दीदी आप वीडियो ऑन करिए, तन्मय भाई वीडियो ऑन करें, डॉक्टर जैन जी नमस्कार, आपकी वीडियो अगर ऑन हो सकती है तो बड़ी कृपा है। तो हम लोग सब प्रदर्शन होगा आज। हमारे साथ योगाचार्य सुमित जी हैं, ये इन्होंने अभी एमए योग और पीएचडी कर रहे हैं अभी, और मेरा नाम तो आपको सबको पता ही है, मैं आचार्य अंतरंग आनंद योगी, अंतरंग ये कह सकते हैं आप। तो अभी आज आपको सबको आवाज आ रही है, कोई एक अनम्यूट करके बताएं, आवाज क्लियर है? यस सर, आ रही है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो एक एक करके सब लोग पहले अपना परिचय देंगे, तो सबसे पहले मैंने अपना दिया, और मेरा नाम आचार्य इंद्रन आनंद योगी है। हमने 1995-96 में बनारस से आचार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया, बनारस में हमारे आश्रम आज भी है, और यह आनंद मार्ग की विंग है जहाँ हमने राजाधीराज योग साधना हम सीखते हैं, और वह आश्रम योग महर्षि पतंजलि के आश्रम योग पर आधारित है, और आज जो हमने आपको जो ध्यान कराया वह धारणा पर आधारित। तो हमारी जो साधना है वह शुरू ही होती है धारणा और ध्यान से, यानी हम बहिरंग योग को सिखाने से पहले अंतरंग योग सिखाते, क्योंकि आज की इस मानव समाज की यह आवश्यकता है, क्योंकि मनुष्य आज आहार निद्रा भय मैथुन में जीवन जी रहा है, लेकिन वह पशु का धर्म, आहार निद्रा भय मैथुन सामान्य में तत् पशु विनारणम धर्म वही तेषाम को विशेषो धर्म लेना पशु भी समान। इसीलिए आप हम सबको आध्यात्मिक योग साधना के साथ हमें साधना सीखने करने की आवश्यकता है, और चूंकि यहाँ पर जो हम लोग जुड़े हैं वह रजिस्टर्ड योगा टीचर ट्रेनिंग के लिए, जो योगा अलायंस अमेरिका के द्वारा यह दिया जा रहा है, लेकिन वह सिखाने वाले सारे ज़्यादातर भारतीय हैं, तो भारतीय योग दर्शन जो महर्षि पतंजलि जिन्हें हम योग के पिता मानते हैं, लेकिन आदि पिता तो हम भगवान शिव को ही मानते हैं, यानी योग का योग के दाता तो भगवान शिव हैं, आदि योगी और योगी राज भगवान कृष्ण, और उनके बाद फिर जिन्होंने
उन दोनों को समझकर आत्मसात कर आष्टांग योग किया, वो महर्षि पतंजलि और फिर उसके बाद हठ योग देने वाले महर्षि गेरंड और महर्षि गोरखनाथ, ये और ये मुख्य गुरु हैं। तो इन लोगों को हम पढ़ेंगे, इनके दर्शन आपको आज योगाचार्य मतलब वो आचार्य हैं आचार्य परमात्मा दास योगी जी, जो योग में पीएचडी हैं, डॉक्टर परमात्मा दास योगी भी कह सकते हैं, संस्कृत में आचार्य हैं। तो वो आपको संस्कृत और पतंजलि योग दर्शन और भगवद गीता दर्शन, ये जो योग से जुड़ा हुआ यह पढ़ाएंगे। वो अहमदाबाद से कनेक्ट करेंगे, इसीलिए आप लोगों को इसमें उस तरह से होगा। और उसके साथ साथ आपका जो हठ योग और गेरंड संहिता आपको और एडवांस योग आपको आचार्य योगाचार्य सुमित जी पढ़ाएंगे, जो हमारे बगल में बैठे हैं। तो इस तरह से होगा। और एनाटॉमी फिजियोलॉजी मैं पढ़ाऊंगा, और मैं योग बायोसाइकोलॉजी और तंत्र योग साधना पढ़ाऊंगा। योगाचार्य मोक्षानंद जो हमारी धर्मपत्नी है, वो आपको वो भी जो कुंडलिनी योग साधना और भक्ति योग वो सिखाएंगी साथ में। और योगिक चिकित्सा जो योग बायोसाइकोलॉजी से जुड़ा है, और साथ साथ आपको जो पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा के साथ योगिक चिकित्सा मैं सिखाऊंगा, और आपको कुछ इंट्रोडक्शन डॉक्टर प्रशांत चतुर्वेदी जी देंगे। और डॉक्टर प्रशांत राजगुप्ता एक हैं, वो आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी के एडवांस बताएंगे। और इसके बाद डॉक्टर इंद्रजीत सिंह जी कुछ इंट्रोडक्शन देंगे आपके एक्यूप्रेशर और मर्म चिकित्सा और बाकी चीजों पर। तो लेकिन यह 200 आवर शो में आपको सारी चीजें कवर नहीं हो सकती, इसीलिए इसमें बेसिकली हम योग और योग चिकित्सा पर हम कवर अप करेंगे। जो मैंने चार जो बेसिक सिलेबस हमने दिया है, और इसकी डिटेल का पीडीएफ हमने डाला था, लेकिन वह सिर्फ रोज 10 घंटे की क्लास का पीडीएफ, उसको हम लोग 4 घंटे में बांटेंगे, और उसको बांट करके हम आपको फिर से प्रस्तुत कर देंगे सिलेबस। तो उस सिलेबस को आप लोग ये करेंगे, आप लोग से निवेदन है कि उस सिलेबस को आप लोग किसी को शेयर नहीं करेंगे, ठीक है। और जो भी ग्रुप में जो भी चीजें डाली जाएंगी उसको आप लोगों के लिए है। और यह अब हम लोग परिचय शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे बगल में बैठे आपको योगाचार्य सुमित जी, वो आपको परिचय देंगे कि मैंने कहाँ से कैसे क्या पढ़ाई किया, और अभी उसके बाद बाकी लोग अपना अपना करते हैं। जी नमस्कार सभी को, मेरा नमस्कार, मैं सुमित कुमार चौधरी हूँ। मैंने योग में पीजी डिप्लोमा किया है यहीं दिल्ली से, लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, और मेरी पढ़ाई उसके बाद मैंने एमए किया कुमायूं यूनिवर्सिटी नैनीताल से, योग में ही एमए किया है। अभी पीएचडी कर रहा हूँ योग में, और दादा से मैं जुड़ा हूँ। अभी हम लोग का एक सेंटर यहाँ पे नेचुरोपैथी सेंटर है ग्रेटर नोएडा में, रिपोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास, और हम लोग अभी अलायंस जो आप लोग जुड़े हुए हैं योगा अलायंस, जो योग प्रशिक्षण की रजिस्टर्ड योगा अलायंस, योगा टीचर ट्रेनिंग टीचर बनाने की जो ये लोग सोचे हुए हैं कि सभी को, जो बच्चे हैं बूढ़े हैं सभी व्यक्ति अपने आप को अपने स्वास्थ्य को खुद देख रेख कर सके, खुद पर्यवेक्षक बन के जो है ना अपना अपने शरीर को स्वस्थ रख सके, उसके लिए जो है यह अभियान चलाया जा रहा है। सभी स्वस्थ हो, सभी निरोग हो, और सभी अपने इतनी जानकारी को प्राप्त कर सके योग में नेचुरोपैथी में आयुर्वेद में कि वह अपने खुद देखभाल कर सके। इसको इसके अंतर्गत सिलेबस को तैयार किया गया है, जिस सिलेबस के अंतर्गत विभिन्न तरह के योग के ग्रंथ जो ऋषि हुए हैं मुनि हुए हैं
उनके योग के प्रवर्तक हुए हैं, जैसे कि महर्षि पतंजलि हुए हैं योग दर्शन के, घरण संहिता हुए हैं, घरण संहिता के घरण मुनि हुए हैं, हठ योग प्रतिपेका के महर्षि गोरखनाथ हुए हैं। इस तरह से जो जितने भी हैं उनके बारे में जो उन्होंने अपने जीवन को जिया है, जिस तरह की पद्धति को उन्होंने अपनाया है, जिस तरह से अपने जीवन को सुखमय बनाया है और जो आनंदित जीवन दिया है और लोगों को भी, समाज को, देश दुनिया को, हर एक को जो है ना एक अच्छी लाइफ जीने के लिए उन्होंने प्रेरित किया है, उसको जानेंगे, उसके ज्ञान को जानेंगे और हम लोग भी उससे लाभान्वित होंगे। तो हम लोग इस तरह से बांट के अपने सिलेबस के आधार पे सभी अपने अपने दायित्वों को करेंगे। जैसे कि दादा बताए कि योगा बायोसाइकोलॉजी पढ़ाएंगे और परमात्मा दास जो योगाचार्य हैं जो पीएचडी कर चुके हैं वह संस्कृत पढ़ाएंगे, गीता पढ़ाएंगे और योग दर्शन पढ़ाएंगे। मैं भी योग महाविज्ञान पढ़ाऊंगा, घरण संहिता हठ योग प्रदीपिका पढ़ाऊंगा। इसी तरह से सभी को इस योग की शिक्षा को सभी को ग्रहण करना है, सभी को अपने स्तर पे अपने शरीर का, अपने स्वास्थ्य का ध्यान खुद से रखना है और जो ना दूसरे को भी हम समाज में लोगों को इस शिक्षा को बांट सके, दे सके और इससे संभवतः हम लोग कुछ अर्न भी कर सकते हैं और अपने शरीर में शरीर का भी ध्यान रख सकते हैं और परिवारजन के सभी व्यक्तियों को स्वस्थ रख सकते हैं। तो आप लोगों से निवेदन है कि सभी इस क्लास को रेगुलर वाइज लें और इसका लाभ उठाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद योगाचार्य सुमित जी। अब मैं दिव्या बहन को आमंत्रित करना चाहूंगा। दिव्या बहन अनम्यूट करके अपना परिचय दीजिए। नमस्कार सभी को, मेरा नाम दिव्या है और मैं एक सिंगल मदर हूँ और काफी टाइम में जॉब में रहने के बाद आई फील कि कॉर्पोरेट लाइफ इज नॉट यू नो फॉर मी बिकॉज़ द वे आई वाज अर्निंग इज गुड बट द पॉइंट इज कि जितना मैं ले रही थी उससे ज्यादा अपनी बॉडी पे खर्च कर रही थी एंड बॉडी भी ठीक नहीं रह रही थी। मैं को अर्थराइटिस की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, बीपी का इशू हो गया था, देन आया हुआ सर्वाइकल इशू, तो ये सब चीज़ें बढ़ती जा रही थी और हेल्थ बहुत डिट्रॉइट हो गई थी, घटती जा रही थी, हेल्थ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आ गया था। तो देन आई स्टार्टेड योग 5 years back। तो धीरे धीरे मैंने अपने ऊपर काम करना शुरू किया तो उससे पॉजिटिव रिजल्ट आए और काफ़ी अच्छे रिजल्ट रहे। तो आई क्विट द जॉब इन दिस कोविड टाइम और फिर उस टाइम में मैंने छोटे छोटे कोर्सेज किए, जैसे मोरारजी देसाई से 1 month का किया एंड देन ये एक और इंस्टीट्यूट है सीपी में वहाँ से 6 months का कोर्स किया। देन आई एनरोल्ड फॉर बिगर वन फॉर अ डिप्लोमा कोर्स और उसके बाद अभी मैं अपने ऊपर काम कर रही हूँ और योग से मुझे काफ़ी बेनिफिट भी मिला है एंड उसी को आगे कंटिन्यू रखते हुए और अपने लिए और यही बेसिकली अगर देखा जाए तो आई वांट कम्प्लीटली फुल फ्लेज यू नो फ्री लांसरिंग में योगा एंड उसी के साथ करते हुए लोगों की भी हेल्प करें एंड सो दैट कि अपने ऊपर भी अच्छे से काम हो पाए, वो सब ध्यान में रखते हुए मैं योग में आ गई कम्प्लीटली। धन्यवाद दिव्या बहन। आप लोग हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि जो हमने जो ये कोर्स प्लान किया है और आप अगर सिलेबस देखेंगे कल जो मैंने पोस्ट किया था और मुझे लगता है बाद में अगर कोई ज्वाइन किए होंगे तो आप हमें बता देना तो हम उसको सिलेबस को तो हम दोबारा भेजेंगे लेकिन उसको हम लोग रीड्राफ्ट करेंगे और रीड्राफ्ट क्योंकि हमारी ये योग केंद्र जहाँ बैठे हैं देखिए बैम्बू का घर है और ये पहली बार इंडिया में मतलब हम बैम्बू के कॉटेज में योग आयुर्वेद पंचकर्म का सेंटर शुरू हुआ है। अगर कहीं होगा तो हो सकता है कहीं पहाड़ों पे हो जो मिट्टी और बैम्बू का घर होगा जनरली और केरला वगैरह में भी हो सकता है लेकिन शहर के बीच में बैम्बू का घर यह पहला कॉन्सेप्ट है। हमने इसको नेचर रिजॉर्ट की तरह नेचर का योग केंद्र प्राकृतिक योग केंद्र को बनाने की कोशिश किया है तो इसमें हमारा काफी समय गया तो जिसके कारण हम यह जो बेसिक योग की जो क्लासेस है इसके लिए हम लोग समय नहीं निकाल पा रहे थे और मैं इसीलिए
आगे अभी आप लोगों को सिलेबस के साथ साथ कोर्सेस मटेरियल और ये सब करेंगे। अभी आप लोगों को ग्रुप में यह बताना है, अगले हम अभी डॉक्टर जैन जी को हम निवेदन करना चाहेंगे, अनुपमा बहन को, हेमा दीदी सबको, सबको हम, और आर्यन और संजना, आप एक एक करके परिचय देंगे। तो पहले एक लाइन में बोल लूं कि आप लोगों को जो टाइमिंग हमने जो पूछा है, तो टाइमिंग के बारे में आप लोग बता दीजिएगा, क्योंकि एक तो सुबह 5 बजे हमारी प्रैक्टिकल होगी और शाम को 6 या 7 बजे प्रैक्टिकल होगी, या आसनास की प्रैक्टिकल होगी और उनमें थ्योरी होगा। थ्योरी का टाइम एक सुबह में 10 या 11 बजे कौन सा सुटेबल होगा एक ही टाइम को, और फिर उसका 3 या 4 वह ये थोड़े बहुत फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्योंकि ये सारे क्लास 4 क्लासेस दिन भर होंगी, बेसिकली 3 घंटा है और बाकी रिपीट हो, ठीक है। तो आप लोग अपना सुटेबिलिटी बता करके और उसके अनुसार हम लोग क्लासेस करें। हमारे डॉक्टर जैन जी, क्या आप अनम्यूट करके अपना परिचय दे सकते हैं क्या प्लीज, और अगर वीडियो ऑन कर सकते हैं तो कृपा होगी। नमस्कार, सभी लोगों को नमस्कार जी। हम डॉक्टर जयंत नाथ गोरखपुर से हम भी योग का एक सेंटर चला रहे हैं, और आपकी प्रेरणा से हम गोरखपुर में भी लोगों को जोड़े के जो यूएसए एलियंस से जो कोर्स है उसके प्रचार प्रसार के लिए हम आप लोगों के साथ रहेंगे जी। तो आपका बैक कुछ बताएं, आप लोग आपने कहां से अध्ययन किया और क्या क्या शोध है आपको? जी, हमने गोरखपुर यूनिवर्सिटी से पी डिप्लोमा योगा 2001 में किया था, उसके बाद 2003 में हमने पीपीएड करा अमरावती यूनिवर्सिटी से, फिर एनडीवाईडी किया था हमने, डॉक्टर ऑफ नेचुरोपैथी एंड डॉक्टर ऑफ योगा अमरावती से ही, फिर आरोग्य मंदिर से भी हमने, हाँ गोरखपुर में आरोग्य मंदिर है वहाँ से भी इनका 2 महीने का मतलब कॉम्पैक्ट योग और नेचुरोपैथी पे प्रैक्टिकल कराते हैं, तो यहाँ से भी हमने किया है। फिर पीजी किया मैंने योग में, और अभी भी योग में हमारा अध्ययन अध्यापन दोनों चल रहा है। अच्छा, बहुत अच्छा, धन्यवाद। अनुपमा बहन, अनुपमा पांडे जी, आप बताएं अपने बारे में। तो आप तो डॉक्टर जैन जी के साथ जुड़ी हैं, उन्होंने आपका दिया है, तो आप अभी अभी आप अपना परिचय देंगे, आप सुन पा रहे हैं क्या? मुझे लगता है वो कहीं बिजी हैं डॉक्टर जैन जी, आपसे निवेदन है एक बार आप उनको कॉल कर देंगे क्या, तो एक बार क्लास में अगर वो सुन पा रहे हैं जी। अच्छा, अब हम ये आर्यन और संजना को बुलाने से पहले हेमा दीदी को बुलाना चाहेंगे। हेमा दीदी, आप अपना परिचय। सभी को नमस्कार। ये एक मिनट अनुपमा बहन, आप एक बार आप हेमा दीदी के बाद आप बोलिए, ठीक है? चलिए हेमा दीदी, आप थोड़ा वेट कर लीजिए। सभी को नमस्कार। वीडियो ऑन रखिए, कोई दिक्कत जी। मेरा नाम हेमा गुप्ता है जी। योगी जी, मेरा नाम हेमा गुप्ता है और मेरा योगा में पर्सनल इंटरेस्ट है, और मैं प्रेजेंट में अभी एनडीडीवाई का कोर्स कर ही रही हूँ, और आपसे तो जुड़े हुए हैं पहले से, हम इसी वजह से ही आपका ये कोर्स भी ज्वाइन करने की इच्छा रही है मेरी। अच्छा, वेरी नाइस। तो आप योग के अभ्यास तो कर ही रहे हैं ना? जी सर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अनुपमा दीदी, अब आप बोलिए, वीडियो ऑन रखेंगे सभी लोग तो अच्छा है। अनुपमा दीदी, आप बोले प्लीज। नमस्कार,
आपके साथ वीडियो ऑन करने से नेटवर्क कम हो रहा है, तो आप वीडियो ऑफ करके बोलिए, ज्यादा लगता है। आपकी आवाज टूट रही है शायद। आप अपनी वीडियो ऑफ करके बोलिए तो शायद आवाज आ जाए। आवाज आ रही है सर? हाँ अभी आई, अभी हेलो। मैं वही वीडियो ऑफ कर देंगे तो आवाज सुनाई देती है। आवाज आ रही है पूरी जी। हमी गोरखपुर से बोल रहे हैं। हाँ, आपका नाम अनुपमा पांडे है जी? जी, योग से पीजी डिप्लोमा है और एमए भी है। और आप कितने वर्षों से प्रैक्टिस कर रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं, चिकित्सा कर रहे हैं या योग सिखा रहे हैं? जी, 5 सालों से। बहुत अच्छा। मैं गोरखपुर से शहर में। जी जी, गोरखपुर से। गोरखपुर तो आपका अपना कोई केंद्र है या आप फ्रीलांसिंग कर? नहीं नहीं, मैं सर के साथ मिलकर काम करती हूँ। अच्छा, साथ जी डॉक्टर जैन जी के साथ? जी। ठीक है, बढ़िया। थैंक यू सर। जी जी, धन्यवाद। चलिए अभी मैं आर्यन आपको मैं करना चाहूंगा। आप अपना परिचय दीजिए और आप कैसे इंटरेस्ट रखते हैं और क्या क्या आपने सीखा है। वैसे पहले मेरा नाम आर्यन है और मैं योगा से बोलिए। आर्यन मेरा नाम आर्यन रजपुरिया है और मैं योगा 2016 से कर रहा हूँ। पहले तो इतना अच्छा इंटरेस्ट नहीं था, बस एक तरीके से प्रैक्टिस पे इंटरेस्ट था, बट अब नॉलेज भी लेना चाहता हूँ। और मैंने विपासना का कोर्स भी करा हुआ है जो 14 डेज का होता है, जिसमें हमें बोलना ही नहीं होता और जिसमें दिन में 8-8, 9-9 घंटे मेडिटेशन ही करनी होती है, तो मैंने वो भी करा हुआ है। और मैं नॉलेज गेन करना चाहता हूँ योगा से रिलेटेड, क्योंकि मेरे को पता है योगा सिर्फ करने से ही फायदा नहीं लेता, उसकी जितनी ज्यादा नॉलेज हो उतना ज्यादा अच्छा है। और मेरी 12th भी हो चुकी है, तो फिर इसीलिए मैं योगा में ही आगे बढ़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो आपको बहुत अच्छा मौका मिल रहा है, क्योंकि ये जो रजिस्टर्ड योगा ट्रेनिंग जो हम लोग टीचर्स ट्रेनिंग जो हम लोग करा रहे हैं, जिसमें जो आज जो व्याप्त जो कोर्स है, वो जो सिलेबस है, यानी ये सिलेबस हमने जो पूरी पतंजलि योग दर्शन के साथ और जो आज जो एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे कैबले धाम है, बिहार स्कूल ऑफ योगा है मुंगेर का, और उसके अलावा द योगा इंस्टीट्यूट है, जो ये लोग इस तरह के कोर्सेज कराते हैं, इनसे जुड़े हुए हैं, तो उनका इनके इनके साथ इनके कोर्सेज को कवर करते हुए जो स्टैंडर्ड जो कोर्स है उसको हम लोग सिखाएंगे। तो बहुत सारे जो आप लोग हैं उनके लिए रिवीजन होगा, लेकिन जो व्यवहारिक पहलू है उस पर हम लोग फोकस करेंगे। और आप लोगों को सबसे बड़ी जो बेनिफिट है कि जो योगा अलायंस एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो भारतीय ज़्यादातर योगाचार्यों के मिलित सहयोग से यह बनाया गया है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लोगों को मान्यता दिलाने के लिए। अब हमें कभी कभी ऐसा मन में लोगों को, कुछ लोगों को आता है कि ये भाई विदेश का हम सर्टिफिकेट लेकर क्या करेंगे, तो ये विदेशी बात नहीं है, यह बात विश्वम भारतम कुर्वन्ती या वसुधैव कुटुम्बकम की भावना से ओतप्रोत है। यानी पूरे विश्व को भारत के रूप में देखा जाए, जैसा भगवान कृष्ण ने वसुधैव कुटुम्बकम कहा है। और जब आप शिव को देखते हैं तो आदि योगी शिव तो पूरे विश्व का भ्रमण उन्होंने किया हुआ है, तो
इसीलिए आप हमको सबको पूरे विश्व को एक परिवार मानकर इस योग साधना को हमें इसको ग्रहण करना है। और इसके साथ साथ जो हम लोग योग चिकित्सा, जिसमें योग चिकित्सा के साथ हम पंचकर्म और प्राकृतिक चिकित्सा या नेचुरोपैथी भी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, एक्यूप्रेशर मर्म चिकित्सा भी इसको सीखेंगे, तो एडवांस लेवल पे आप इसको प्राप्त कीजिएगा। अब ये सब प्रैक्टिसेस आप लोग करेंगे। अब इसमें जो यंग लोग हैं, जैसे आर्यन जैसे लोग हैं, जिन्होंने विपासना जैसा मेडिटेशन, विपासना की यह खूबी है कि विपासना मीन्स बुद्ध की साधना, यानी आप बैठे हैं और ध्यान में, तो इसीलिए आप उसको एक स्थिति क्रिएट करनी पड़ती है। जैसे मौन व्रत में है, आपको शांति चाहिए, हम आपको भगवान शिव की एक एडवांस साधना, जो भगवान बुद्ध ने शिव को रियलाइज किया 12 वर्षों में एक जगह तपस्या करके बोधगया में, बिहार में बोधगया में, तो हम भगवान शिव के जो आदि योगी हैं उनकी साधना, जो कुंडलिनी योग है, वह मैं स्पेशली 25 वर्षों से उसका अभ्यास कर रहा हूँ, उसका मैं आचार्य हूँ, तो वो आपको सिखाऊँ। तो उसमें क्या फायदा है कि आप चलते फिरते ध्यान में जा सकते, आप श्वास पर आप अपने आप को ध्यान दिए तो आपकी कुंडलिनी आप उठा सकते, यह एक विशेष शक्ति संपात की साधना है जो मंत्र चैतन्य से दीपनी शक्ति से होती है, जिसमें आपको अपने चक्रों को खोलना है, चक्रों को भेदन करना है, आसन मुद्रा प्राणायाम बंद और सात्विक आहार। आपको एक चीज है, आपके मणिपुर चक्र कभी बाधित नहीं, यानी आपकी जो अग्नि तत्व है वो बहुत मजबूत, इसीलिए आपको मयूरासन का अभ्यास या जो उड्डयन और अग्निसार और नौली, ये सारी चीजें आपको, और जितनी शुद्धि क्रिया है एकादशी, ये सारा एकादशी के बाद, यानी एकादशी का निर्जला व्रत, 2400 एकादशी निर्जला और उसके बाद दूसरे दिन लघु संघ प्रक्षालन, यानी अग्नि प्रदेश आपका मजबूत रहना चाहिए, तब आप 80 वर्ष की उम्र में भी आप एक योगी के रूप में, आपके अंदर हठयोग की शक्ति रहेगी, और हठयोग में जो ईड़ा पिंगला, हठा यानी ईड़ा, पिंगला यानी पिंगला यानी चंद्र और सूर्य का मिलन, जो जिसको आपको हमारे योगाचार्य सुमित जी सिखाएंगे, तो यह आपको उसकी शक्ति है, यानी महर्षि पतंजलि की आशांग योग साधना में भी हठयोग अंतर नहीं, लेकिन उन्होंने, महर्षि पतंजलि ने ज्यादा अंतरंग योग पर ध्यान दिया, वह खुद भी ध्यान में आपको बैठे हुए दिखेंगे, लेकिन आज जो पतंजलि योग है वह ज्यादातर बहिरंग योग में ज्यादा प्रचलित है, आसन और प्राणायाम ज्यादा प्रचलित दिखता है, तो इसीलिए हमें दोनों को बैलेंस कर, कुछ लोग हैं सिर्फ भक्ति योग और अंतरंग योग में अपने आप को ध्यान और साधना और कीर्तन में ही दिखेंगे। तो एक सज्जन यहाँ आए थे जहाँ बैठे हैं, तो वो अंतरंग योग यानी कि वह जो क्रिया योग है रांची के जो योगदा सत्संग वाले, उनके साथ उनकी साधना, वो मेडिटेशन में बहुत डूबे हुए थे, विपासना करने वाले जैसे लोग मेडिटेशन में बहुत डूबे रहते हैं, और हमारे भी साधक बहुत सारे कीर्तन और ध्यान में डूबे रहते हैं, लेकिन अगर आप आसन प्राणायाम और सात्विक आहार पर ध्यान नहीं देंगे, यानी जो बहिरंग योग है, तो फिर आप अंतरंग योग में भी आप प्रवेश नहीं कर सकते, यानी उसमें आप परिणत नहीं हो सकते। तो उनकी दिक्कत क्या थी कि उनकी अपर चक्रास बहुत एलिवेटेड थी, अनाहत चक्र, विशुद्ध चक्र, आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र तो बहुत ज्यादा पावरफुल थी वह, जिससे इंटरनेट पे कहीं कनेक्ट होते थे तो पूरी दुनिया से कनेक्ट होते थे, ज्ञान बहुत हाई, लेकिन उनकी शरीर बीमार थी। हमने उनको सिर्फ प्राकृतिक चिकित्सा दिया, पंचकर्म किया, 3-4 दिन में वो बिल्कुल फिट हो, ये समझ लीजिए, और आसन भी नहीं करा हमने, तो चक्र बैलेंसिंग कराया, क्योंकि आसन करने की स्थिति में नहीं थे। तो आप ये समझ लीजिए, आप लोग एडवांस योग में आप लोग को चक्र बैलेंसिंग सीखना होगा, चाहे वो हम सिखाएंगे, कि आप रेकी या प्राणिक हीलिंग जो करते हैं वह आपको सीखना होगा, कि आप सिर्फ आंखें बंद करके या खुली आंखों से भी आप किसी को हील कर सकते, और कोई डिस्टेंस हीलिंग, कोई मरीज कहीं भी है आपके साथ तकलीफ में बात कर रहा है, आप उससे बात करते करते हील कर सकते, यह सब एडवांस योग साधन।
वह धारणा का एक पार्ट, जो हमने कहा प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि। इसीलिए प्रत्याहार आपका मजबूत होना चाहिए। जो प्रत्याहार जब आप बोलते हैं ना, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा, आपका मन मन हे मनुष्य नाम कारण बंध मुक्षयो बंधु से अविश्वास संगी मुक्ति निर्विशन तथा मन ही बंधन और मुक्ति का। ठीक है, तो आगे हम और बात करेंगे, उसके पहले और परिचय एक बीच बीच में हम एक्सप्लेन करते हुए, क्योंकि आर्यन ने विपासना की बात किया तो वह अंतरंग योग के साथ ध्यान के साथ, लेकिन विपासना में बुद्धि की स्थिति में पहुंचने के लिए आपको शिव की साधना जो है, जो शक्ति और शिव का मिलन है, यानी प्रकृति को कैसे नियंत्रण करना है, यह आपको भगवान शिव और कृष्ण बताएं। ठीक है, तो आइए हम संजना से सुनते हैं। बेटा संजना, आप अपना परिचय दें और आप अभी क्या कर रहे हैं ये भी बताइएगा। आर्यन ने ये नहीं बताया कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, क्या पढ़ाई कर रहा हूँ। सर मेरी अभी 12th पास आउट हुआ हूँ सर मैं जी। तो सर अब मैं करूंगा BSc इन फिजिकल एजुकेशन। चलिए, साथ साथ आप योग का भी पढ़ाई साथ साथ कर सकते। हाँ सर, वेरी गुड। चलिए संजना। सर नमस्ते, माय 7 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। थोड़ा जोर से बोलना है ठीक है। पता है वैसे मुझे नॉलेज और मुझे अभी बेटा थोड़ा जोर नजदीक आके जोर से बोलो एक बार और। ओके सर, माय नेम इज संजना, 7 इयर्स का एक्सपीरियंस है योग में, बट मुझे बस प्रैक्टिकली आता है क्योंकि मैंने हमेशा से एडवांस योग किया है और मुझे उसकी नॉलेज नहीं है कि उसकी थ्योरी वगैरह मुझे अभी पता नहीं है, तो आप मुझे उसकी नॉलेज गेन करनी है। बहुत अच्छा, बहुत जी। अभी आप 12th क्लास में, आप भी 12th क्लास में, 12th क्लास पास किया आपने? हां जी सर, 12th पास। आप भी BSc कर रहे हैं? यस सर। ठीक है, तो आगे और आप क्या पढ़ाई करना चाहते हैं? सर हम मतलब सभी साथ कर रहे हैं BSc इन योगा कर रहे हैं आप? यस सर, ये भी मेरे साथ ही कर रही है BSc इन फिजिकल एजुकेशन। ओके, तो मैं आप लोगों पे सजेस्ट करूंगा कि आप लोग साथ में, आप लोग बीए या बीएससी योग साइंस को भी आप लोग साथ साथ कर सकते हैं। बहुत सारे जगहों पे इसकी करेस्पोंडेंस की कोर्स है, और इसके लिए आप लोग अंकित और बाकी हमारे साथ भी आप लोग कर सकते हैं। यस सर, यस सर, और बाकी जितने भी वो ग्रुप में हम लोग इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। ओके सर, मुझे लगता है सबका परिचय हो गया। यस सर, अभी आज हम लोग आपसे सबसे जानना चाहेंगे, क्योंकि बाकी जो लोग जुड़ेंगे, दो बातें हैं। एक पहला बात कि एक चीज समझिएगा आप लोग, सब लोग, एक श्लोक जो हमने बोला वह है शिव शक्त्यात्मकम ब्रह्मा। शिव और शक्ति दोनों मिलकर के यूनिवर्स बना, अर्ध नारीश्वर का जो आपने तस्वीर देखा है, स्त्री और पुरुष दोनों मिलकर ब्रह्म की स्थिति, यानी पुरुष और प्रकृति। यानी अगर कोई पुरुष शरीर में जो आज है वह ऐसा सोच ले कि मैं पुरुष हूँ, और कोई स्त्री जो शरीर में है वह अपने आप को अगर निम्न समझे कि हम पुरुष से कम है, ऐसा नहीं है। सब लोग शिव हैं, चाहे वो स्त्री के शरीर में हो या पुरुष के शरीर में, दोनों स्त्री, दोनों प्रकृति है। और शिव कौन है? हमारी आत्मा, हमारी चेतना, हमारी चैतन्य सत्ता, जो आप लोग जब पंचकोश आप जब ठीक से डिटेल में पढ़ेंगे और सात चक्रों को उसको जोड़ेंगे, जो गायत्री मंत्र में जो ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्य, ये ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, जो आप ये गायत्री का मंत्र बोलते हैं उसमें ये सात चक्र ओम भूर्भुवः स्वः महाजनः तपः और सत्य, ये सात लोग हैं, सप्त लोकात्मकम ब्रह्म माना। ये सात चक्र की साधना आप करेंगे, सीखेंगे,
और पंच कोशात्मी का जैवी सत्ता कदली पुष्पवत। पंच कोश में जो पांच कोश हैं, वो पांचवें कोश जो आनंदमय कोश जिसको हिरणमय कोश एक्चुअली कहते हैं, तो हिरणमय परे कोशे वीर्यम ब्रह्म निष्कलम, यह पंच कोश में जो आपके अन्नमय कोश, फिर उसके बाद काममय कोश, प्राणमय यानी अति मनुष्य कोश, फिर विज्ञानमय कोश और हिरणमय यानी आनंदमय कोश, ये पांच कोश यानी मन के स्तर है। और इसमें आपकी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार या सब के बाद जो बोधि तत्व और चैतन्य, यह सब को हमें इंटरप्रेट करके प्रैक्टिकली हमें उसको समझना है। और बेसिकली हम चिकित्सक बन रहे हैं, इसीलिए हम लोगों को उसके सामने वाले व्यक्ति के मन को समझना है, पढ़ना है। इसीलिए आप जैसे जो हमारे साथ दो जो भाई बहन जो अभी स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, उनका यही है कि वो आप साथ साथ इस चिकित्सा को, इस योग साधना को अलग अलग जगहों से प्राप्त करते रहेंगे, क्योंकि आपके पास ज़्यादा समय पढ़ने के, ठीक है, क्योंकि आपको कोई परिवार नहीं चलाना, आपको पैसे नहीं कमाने, लेकिन आपको अपनी शक्ति का ध्यान रखना। शक्ति जो दो बातें हैं, इसी को फिर मैं आप नारायण से जोड़ता हूँ तो नारायण की अर्धांगनी लक्ष्मी, अगर मैं इसको कृष्ण से जोड़ता हूँ तो कृष्ण की अर्धांगनी राधा, यानी राधा प्रकृति है। जब आप वृंदावन में बोलते हैं जय श्री राधे, तो श्री राधे मतलब श्री मतलब पुरुष और राधे मतलब प्रकृति, तो प्रकृति में श्री यानी परम पुरुष समाये हुए हैं। उसी प्रकार सीता में राम समाये हुए हैं, उसी प्रकार आपके आपके अंदर शक्ति में शिव समाये हुए हैं, आपके लक्ष्मी में नारायण समाये हुए हैं। इसीलिए आपको सबको, हमको, सब लोगों को यह समझना बहुत जरूरी है कि लक्ष्मी यानी जो प्रकृति का जो शक्ति है, उसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए यजुर्वेद में और कठोपनिषद में श्लोक आता है, आत्मनम रथिनम विधि शरीरम रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विधि मना प्रग्रमेव च, यानी जिनकी आत्मा जागृत है वही अपने शरीर को वो रथ बना सकते हैं, जिस रथ पर आप अपने बुद्धि को चैतन्य बनाकर स्वयं परमात्मा को सारथी के रूप में ग्रहण करते हैं। और वह आपके 10 इंद्रियों का जो मन है, जो इंद्रियों से संचालित होता है, जो आपको चीनी मैदा तेल समोसा और पकौड़े और बड़ी बड़ी चीजें जो खिलाता है, जिससे आपका अग्नि तत्व खराब होता है, एसिडिक फूड जो बचपन से लोग खाते हैं, ब्रेड बिस्किट से शुरू करते हैं, चाय और ये सब, इसको जीवा इंद्रियां मेरी मतलब लोग 70-75 साल की उम्र में भी बोलते हैं कि आचार्य जी आपने चाय बंद कर दिया, बिस्किट बंद कर दिया और हमको मजा नहीं आ रहा है, हम आपने वो ब्रेड बिस्किट पकौड़े समोसे अब हम सब लोग खा रहे हैं घर में, तो हमको आपने ये कर दिया। तो आप ये सोचो कि यह जो जीभ इंद्रिय कितना प्रबल है, बचपन से बच्चे को चीनी, गुड़ के जगह चीनी खिलाते हैं, शहद के जगह चीनी खिलाते हैं, फिर उसके बाद हम उनको चौमिन चिप्स चॉकलेट्स खिलाते हैं, यानी वो सब मैदा और चीनी का प्रोडक्ट्स है। फिर उसके बाद तेल जो रिफाइंड तेल, जो प्राकृतिक तेल नहीं है, जो कच्ची घानी का तेल नहीं है, और वह भी तासीर के हिसाब से, जैसे गर्मियों में आप कच्ची घानी की जो तेल है, गर्मियों में जो कच्ची घानी की जो है वो तेल कौन सी होनी चाहिए, या प्रकृति के हिसाब से आपके तासीर वात पित्त के हिसाब से आपको समझ के आपको फिर ग्रहण करना, यह सारी चीजें, देसी गाय की शुद्ध घी उसकी कब आवश्यकता है, ये सारी चीज आप हम सब प्रकृति को समझेंगे। तो मैं आपको प्रकृति का यह बात इसीलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आप अपने प्रकृति को समझें कि मान लीजिए आपका वायु दोष, यानी आपका वायु दोष कहाँ है, अनाहत चक्र और विशुद्ध चक्र, वायु और आकाश, या वात की दिक्कत है, आपके जोड़ों में दर्द होगी, कोई भी तरह का दर्द होगा तो वायु दोष, वात और आकाश का दोष, यानी वायु, वात मतलब वायु और आकाश, जल दोष और अग्नि दोष, यानी अग्नि आपके आपके पित्त का दोष है, तो आपको कौन सा चक्र ठीक करना है, मणिपुर चक्र, तो यह समझना होगा। लेकिन उसमें अगर जल प्रधान हो गया
पित्त दोष में अगर जल प्रदान हो गया तो आपको स्वाधिष्ठान चक्र ठीक करना हो, जल प्रदेश के चक्रों पर आधारित आपको यह आयुर्वेद यह विशेष विद्या हमने रिसर्च किया है 20 वर्षों में और बहुत सारे योगियों ऋषियों ने किया होगा, तो यह हम उसको भी प्रैक्टिस करेंगे। इस तरह से करके आप लोग सब लोग सीखेंगे एडवांस योग साधना। अब अंत में लक्ष्मी वाली जो बात कर रहे थे, शक्ति वाली जो बात कर रहे थे, आप लोग सब लोग हमने जितने भी लोग आज अगर आर्थिक जैसे हमने इस कोर्स को कराया लॉकडाउन में यहीं दिल्ली में बैठे हैं 1,00,000 रुपए है ना, और एक आज इस कोर्स को हमने नीचे लाते लाते 15,000 तक हमने लाने की कोशिश किया। इतना हमें जो योगा अलायंस का फीस देना या बाकी जो खर्च हमारे शिक्षकों के लिए जरूरत है, इस सेंटर को चलाने के लिए जरूरत है, उतना हमें करीब 30% डिस्काउंट हम आपको देते हैं जितनी आवश्यकता है। लेकिन इसके बाद भी आप नहीं दे पाते हैं कोई बात, आपको सिर्फ अर्न करना, तो हम आपको आपकी पहली बैच को हम ये और आगे भी हम देते रहेंगे इस मौके को कि हमें योग साधना का व्यापार नहीं बनाना है, हमें योग चिकित्सा भी देनी है। तब भी कोई भी आपके जीवन में कोई भी दुखी तकलीफ में अगर कोई भी व्यक्ति आए और उनके पास पैसा ना हो आपसे इलाज लेने का या योग सीखने का, आप उसे सिखाएंगे या संकल्प आपको सबको लेना है, या संकल्प हम आपको शपथ के रूप में दिलाएंगे, या आचार्य का संकल्प शपथ है। इसीलिए आप कभी भी इसको व्यापार उस तरह से नहीं बनाएं कि आप इससे कोई भी आर्थिक रूप से कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए और चिकित्सा प्राप्त करने के लिए जिसके पास पैसे ना हो और उसके कारण वह ज्ञान ना प्राप्त कर सके या बीमार हो जाए, ऐसा कभी ना करें। इसीलिए आप लोग सब लोगों को लेकिन जरूरत की पूर्ति भी करनी है क्योंकि प्रकृति का नियम है कि युगस सर्वनिम प्रयोजनम सर्वेशम विधेयम अतिरिक्तम प्रदातव्यम गुणानुपातेन। हर युग में परमात्मा ने मनुष्य की न्यूनतम जरूरत की पूर्ति के लिए आपको मौका दिया है, ठीक है। न्यूनतम जरूरत भोजन वस्त्र आवास शिक्षा और चिकित्सा और बाकी जो चीजें हैं जैसे टेलीविजन नहीं मिलेगा तो आपकी कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। प्रीति बेटा ये ईयर आप अगर सुन तो नहीं पा रहे हैं, आप ये करो ऑडियो नीचे क्लिक करो नीचे है ना ऑडियो, हाँ आ गया, वेरी गुड। प्रीति नमस्कार बेटा, सबका परिचय हो चुका है, आप अंत भला तो सब भला, आप आ गए बहुत अच्छा है ना, तो इसीलिए आपका परिचय भी लेंगे। दो मिनट में एक बात पूरा करके फिर आपका परिचय लेंगे, फिर हम आज के सत्र को आज समाप्त करेंगे। तो सबसे पहला जो मैं भाभी बोल रहा था कि जो आपका जो इस पूरे इस प्रकृति में जो इंद्रियों के माध्यम से जो बंधन है वह है आहार निद्रा भय मैथुन। मैं जहाँ बैठा हूँ यह स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहलाता है, यानी इसके आसपास में मैं बहुत मुश्किल से जंगल ढूंढ पाया, लेकिन यह खेती है, यह भी बिक चुकी है, यहाँ भी बिल्डिंग बन जाएंगी, यहाँ से लेकर के बुलंदशहर अनूप शहर तक लोगों की खेती बिक रही है और लोग बेचना चाह रहे हैं और लोग बोल रहे हैं कि जल्दी से खेती बेचो और गाड़ी खरीदो और बंगले खरीदो और दारू पियो और मस्त रहो और फिर उसके बाद मर जाओ, पता नहीं ये कैसा मानवता। और आहार निद्रा भय मैथुन इसी के लिए लोग जी रहे हैं, इसीलिए आपको हमको सबको बचाना है इस समाज को, और बचाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको योग चिकित्सा सीख कर उनको पहला चीज तो चीनी मैदा तेल और मांसाहार इससे बचाना होगा पहले, और उनके शरीर को ठीक करके और उनको परमात्मा के रास्ते पर ले जाना होगा। सिर्फ बीमारी दूर करना योग का लक्ष्य नहीं है, योग का लक्ष्य है संयोग अयोग इति उक्तः जीवात्मा परमात्मनः। योग का अर्थ होता है जोड़ना, जीव को शिव से जोड़ना, जीवात्मा को परमात्मा से जोड़ना। तो इसीलिए जो लोग आपको अभी जो बीमार मिलेंगे उसको आप सीधे भगवान शिव से तो नहीं जोड़ पाएंगे, लेकिन आप उनको भक्ति योग से जोड़ते हुए उनको चिकित्सा देंगे, नहीं तो फिर वो चिकित्सा लेंगे और आपसे बोलेंगे कि इतना पैसा ले लिया और हम ठीक नहीं हुए, है ना। या जो लोग भी हमसे सीख रहे हैं और आप किसी को लोग सिखाओगे तो लोग यही यही कहेंगे है ना कि ये इतना फीस ले रहे हैं,
राइट, इसीलिए आपको सबको लक्ष्मी को नारायण से जोड़ना है, शक्ति को शिव से जोड़ना है, राधा को कृष्ण से जोड़ना है, ठीक है। इस साधना को मैंने आज बताया कि आप लोग सब लोगों को अर्निंग करनी, तो मैं आपको एक मॉड्यूल बता रहा हूँ। मॉड्यूल बताने के पहले मैं प्रीति बहन जो बहुत हमारी इम्पोर्टेंट है आपको बता दूं, प्रीति ने सबसे पहला हमें मतलब लक्ष्मी का जो योगदान दिया। और आप सब लोग कैसे सक्षम होना है कि आप लोग इसमें सिर्फ योगदान ही ना दें, सब लोग ईश्वर की कृपा से काफी पैसा कमाए, धन इतना हो कि आप सेवा करें धन से, है ना। एक योगी के पास अगर बहुत धन आएगा तो क्या करेगा योगी, एक या अगर आप योग में जो आश्रम योग में है, एक आता है ना अपरिग्रह, योगी के पास बहुत धन आ जाएगा तो उस धन से वह संचय नहीं करेगा, उस धन को वह अंबानी बन करके धन को अपने पास रख करके कुछ नहीं कर सकता। अंबानी बन के 27 मंजिला बिल्डिंग में रह करके और 2 लाख रुपए महीने में वो स्टीवर्ट रखेगा, है ना, कि उसके झाड़ू पोछा करने वाला आदमी और उसके अटेंडेंट्स रहेंगे, ऐसे इतने करके भी क्या उसको सुख और आनंद मिलेगा, सुविधा में सुख है नहीं। तो आप एक योगी बनकर क्या करेंगे, आप खूब पैसे कमाएं, लाख करोड़ जितने पैसे कमाने कमाए, लेकिन उस पैसे से देश का, समाज का, प्रकृति का कल्याण। आइए तो हम आप प्रीति से सुनते हैं। प्रीति बेटा आपको परिचय देना है कि आप कहाँ हैं, कौन है, सॉरी आपका नाम कहाँ से है और आप योग साधना में कैसे रुचि ले रहे हैं, क्या सीखना, सभी लोगों ने बता दिया है, आप रिकॉर्डिंग सुन लेना बाकी का परिचय का, फिर अंत में हम इस क्लास को समापन करेंगे। बोलिए, अनम्यूट करके बोलिए, आपका म्यूट है, अनम्यूट करें, अनम्यूट, नीचे जो रेड वाला जो लाल दिख रहा है ना, आ ना फोन का बटन, फोन जैसा जो आइकन बना है उसको क्लिक कीजिए, आपके मोबाइल में लेफ्ट कॉर्नर में, हाँ यस वेलकम, बोलिए बेटा। हाँ हाँ नमस्कार करेंगे, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम प्रीति मौर्या है, मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ बट प्रेजेंटली आई लिव इन नोएडा सेक्टर 143। और मेरे को एक्चुअली योगा इसलिए सीखना है क्योंकि मुझे स्टेबल होना है, मैं अपनी लाइफ में बहुत सारे गोल्स पे फोकस कर चुकी हूँ फिर भी मैं कहीं स्टेबल नहीं हो पाई, तो मेरे को ये सबसे बेस्ट लगता है कि यहाँ से मैं स्टेबल हो सकती हूँ। पहले किसी स्टेबल होने के लिए पहले मेंटली स्टेबल होना जरूरी होता है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया बेटा। तो प्रीति इतने एंथुसियास्टिक है कि आप लोग, और सौभाग्यशाली है कि हमसे ज्यादा दूर नहीं है, तो प्रैक्टिकल के लिए सुबह 5 बजे तो हम उन्हें अभी बुला नहीं पाएंगे, लेकिन हो सकता है कल को ऐसी व्यवस्था हो तो वो यहाँ भी आ जाए, लेकिन हमने सुबह जो 5 बजे प्रैक्टिकल करें वो 6-6 बजे और 7 बजे क्लासेस होंगी, जो प्रैक्टिकल आप सीखोगे उसको आप लोगों को हम मौका देंगे क्लास लेने के लिए, ठीक है। लेकिन शुरू में क्योंकि जो स्टूडेंट्स होंगे उनको आप देख सकते हो उस क्लास को, आप काम करते हुए देख सकते हो, आपको उस समय वीडियो ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन सुबह का जो मॉर्निंग क्लास होगा 5 बजे सबको कंपलसरी, ये आप समझ लीजिए कि सुबह 5 बजे ऑनलाइन ऑफलाइन आपको 5 बजे हमारे साथ जुड़कर क्लास करना है। यह समय हम आपको ब्रह्म मुहूर्त का समय, हम अगर आप कोई क्लास आपका नहीं हो तो, अगर आपका कोई क्लास हो तो फिर आपको उसको एडजस्ट करना है शाम को 6 बजे या 7 बजे, ठीक है, तो वो आपको करना होगा। लेकिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपको 4 बजे 4:30 बजे तक उठना होगा और उसके लिए आपको 10 बजे तक सोना होगा। और जब आप कुंडलिनी योग तंत्र योग साधना आप सीखेंगे तो आप लोग फिर 12 बजे रात में भी सो करके भी आप सुबह 4 बजे उठ सकते, लेकिन यह बहुत विशेष साधना है जो आप धीरे धीरे उसको डेवलप करेंगे। तो वो मैं भी मतलब हम जब वैसा करता हूँ मैं तो बीच में हम भी अपनी फिर बाद में अपनी नींद को पूरा करने के लिए
जैसे देखिए आपको हमने करीब 1-2 बजे रात तक में मैसेज कर रहा था आप लोगों को, तो मैं कितना भी कुछ हो तो मैं 6 बजे उठना ही है, उसके बाद ब्रह्म मुहूर्त समाप्त हो जाता है। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में आप उठेंगे, सुबह का सूर्योदय और शाम का सूर्यास्त योग साधना के लिए संध्या है, इस संध्या को आपको मिस नहीं करना। और इस संध्या में आपका प्राण शक्ति यानी आपकी मणिपुर चक्र जो शुद्धि क्रिया है, जब आप पढ़ेंगे तो आप अलग अलग अंगों के जो क्रिया है उसमें जो बड़ी आंतों की क्रिया सुबह 5 से 7 ही होती, इसीलिए उस समय आपका पेट साफ होकर अग्नि तत्वों को आपकी ईड़ा नाड़ी को खोल देना, और ताकि प्राण शक्ति आपकी संध्या के लिए आपकी जागृत हो जाए। ये सब एडवांस में आप सीखेंगे, यानी आपकी लेफ्ट नॉस्ट्रिल यानी ईड़ा नाड़ी अगर सुषुम्ना की ओर ले जाएंगे तो आपकी कुंडलिनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठेगी। यह जब आप करेंगे, यह सब हठयोग है, लेकिन आपको समझ में आएगा कि ईड़ा पिंगला को खोलने के लिए क्यों आपको सुबह पेट साफ करना जरूरी है, और आपका रात का आहार आपका किस प्रकार होना चाहिए कि सुबह आपका भूषण कब्जियत ना हो। और यह जब आप खुद को प्रैक्टिस करेंगे तब आप दूसरों को आप ठीक कर सकते हैं, राइट। उसी प्रकार शाम का संध्या काल में सूर्यास्त के समय में हम योग की प्रैक्टिस फिर से पुनः हम करेंगे, तो उस समय प्रीति तो हमारे साथ रहेंगी, और जो भी दिल्ली में रहते हैं आपका भी स्वागत, और जो लोग दूर रहते हैं दिल्ली में, या कभी किसी को अगर यहाँ दिल्ली में आकर यहाँ रहने की सुविधा है, ठीक है, पेशेंट्स को हम लोग बेड देंगे, लेकिन बाकी लोग भी इसी तरह एडजस्ट करके रहेंगे। बहनों के लिए अगर हमारी कोई बहन आती है यहाँ पर रुकने के लिए तो हम उनको कोशिश करेंगे कि उनको हम एक सेपरेट अरेंजमेंट करने की व्यवस्था करें। तो अभी उतना पूरा नहीं हुआ लेकिन धीरे धीरे हो जाएगा, और यहाँ पर जो यह पूरी कोर्स 3 महीने की होगी, इस 3 महीने के कोर्स में 1 सप्ताह सबको पूरे देश और दुनिया से, क्योंकि एक साथी हमारे अमेरिका से जुड़ रहे हैं लेकिन वह इंडिया आ रहे हैं कुछ शायद परमानेंटली, वह मैथमेटिक्स के प्रोफेसर हैं अमेरिका में, तो वह पूरी तरह योगा टीचर की ट्रेनिंग ले रहे हैं और आयुर्वेद की ऑलरेडी पहले से कोर्स कर रहे हैं नितिन जी, तो वह बाहर से जुड़ेंगे तो वह भी इंडिया आएंगे यह प्रैक्टिकल करने के लिए। देखिए क्योंकि जो प्रैक्टिकल है प्राकृतिक चिकित्सा, जैसे मान लीजिए अभ्यंग यानी मसाज है, तो स्त्री और पुरुष का अलग अलग होगा, अलग अलग रूम में होगा। एनिमा यानी पेट साफ करने की क्रिया है और बाकी क्रियाएं हैं, तो उसको हम लोग वीडियो में नहीं दिखा सकते, ऑनलाइन नहीं हो सकता, इसीलिए ऑफलाइन आपको आकर सीखना होगा आयुर्वेद, पंचकर्मा और प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है। और यह आपको सौभाग्य ये भी होगा कि प्रैक्टिकल जब क्लासेस चलेंगी तो एक टीचर के रूप में आपको क्लास लेना है। ऑनलाइन क्लास आप लोगे तो आप सामने में, आप जैसे हमारे सामने में अभी लैपटॉप है और मोबाइल से मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं अभी देख रहा हूँ आप सब, इसमें अभी 4 लोगों की वीडियो ऑन है, मतलब मुझे जोड़कर। तो आपको जो मान लीजिए जब आसन करेंगे तो सबकी वीडियो होगी, तो अभी सब लोग वीडियो ऑन करेंगे तो 9 लोगों की या 10 लोगों की है ना, ज्यादा से ज्यादा आपको आसन ठीक से आपको समझ में आ जाएगा, लेकिन बाकी की आपको मतलब करीब करीब इस तरह से 10 से 12 लोगों तक की आपको आसन के पोस्चर्स आपको समझ में आ जाएगी। तो आपको उसको क्लास जब आप करेंगे, देखो एक बहन हमसे इसी बात पर चर्चा कर रही हैं कि मैं आपके क्लास में 6 लोगों से ज्यादा नहीं है ना, अब वो इसीलिए क्योंकि वो जानती हैं कि 6 लोगों से ज्यादा होगा तो फोकस नहीं हो पाएगा, तो उसके पैसे भी उनको देने होंगे। तो ये सारी चीजें आपको समझना होगा कि लक्ष्मी की जो हम बात बता रहे हैं कि जब आप ऑनलाइन क्लास लेंगे, ऑफलाइन लेंगे तो ऑफलाइन में सामने आपके 1000 लोग भी रहेंगे तो उनको आप देख सकते हैं। हमने जो 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 शिविर किया है अपने जीवन काल में, तो हमने करीब 5000 लोगों को एक साथ योग कराया, आसन कराया, उसमें मुझे ज्यादा से ज्यादा 1000 लोगों तक दृष्टि जाती है, उसके बाद पता नहीं चलता है कि कौन कैसा कर रहा, तो इसीलिए उसमें आपको सहयोगी शिक्षक मिलेगी, ठीक है। तो ऐसा आपको, लेकिन फिर भी दृष्टि आपकी अगर बाहर दूर में अगर कैमरा लगा दिया जाए तो आप नजदीक में फिर देख सकते हैं कि कौन कहाँ पर है,
और आपके सहयोगी जितने होंगे वो दूसरों को जाकर के कोई आसन आपका कर रहे हैं तो उनको भी मंच भी पूरा नहीं दिखेगा तो बड़ा स्क्रीन लगाना पड़ता है। यह सब स्वामी रामदेव के शिविरों में ऐसा अरेंजमेंट रहता है। ईश्वर करे आप लोग उस लेवल तक टीचर बने। हमारे साथ एक पंकज निरंजन है, योग टीचर है, जिनको हमने एक ध्यान के वो शिक्षक थे, ध्यान कराते थे और वह उनको हमने पहले ही दिन मंच दे दिया और हमने अपने बगल में बिठाया, क्योंकि ध्यान में जो लोग प्रतिष्ठित है और ध्यान कराता है वह किसी को भी शारीरिक रूप से नियंत्रण नहीं कर सकता, इसीलिए पहले ही दिन में कर दिया। और आप विश्वास नहीं करोगे 15 दिन में वो योगा टीचर बने। बाद में उन्होंने एमए योग कर लिया और आज वो आज इस बार अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में 10,000 लोगों को उन्होंने योग कराया यही दिल्ली में, ठीक है। तो ऐसे और बिल्कुल यंग है वो, अभी उनकी शादी हुई है, उनकी पत्नी भी योगा टीचर। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आध्यात्मिक शक्ति है वह इतनी दूर तक जाती है कि बहिरंग योग से आप दुनिया को नहीं जीत सकते, लेकिन अंतरंग योग से आप कहीं भी रहें आप दुनिया को बना सकते। तो फिर आप लोग के लिए बता दूं कि 8 अंग जो योग के हैं वह हैं यम नियम, यह भी अंतरंग से ही जुड़ा हुआ है, अंदर के साथ जुड़ा हुआ। यम और नियम में अहिंसा अहिंसा सत्य अस्तेय ब्रह्मचर्य अपरिग्रह, फिर उसके नियम में शौच संतोष तपा स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान, इसकी डिटेल हम क्लास में चर्चा करेंगे, नोट्स हम आपको शेयर करेंगे, आप पढ़ते रहिए। उसके बाद आसन और प्राणायाम, यह एक्सटर्नल है यानी बहिरंग। उसके बाद प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग। और हठ योग में उसी प्रकार बहिरंग और अंतरंग उसमें भी आपको मिलेगा। यह दोनों चीजें हम आपको सिखाएंगे, प्रैक्टिकली पढ़ाएंगे, सिलेबस आप लोगों को और अच्छे से हम शेयर करेंगे। आप लोग अंत में चलते चलते मैं आपको बता दूं कि आप पैसा कैसे, ठीक है। आपको हम 1 महीने के अंदर इतनी विद्या देंगे अगर आप जितना मेहनत करेंगे, यानी आप समझ लीजिए अगर आप सोना बनना चाहते या सोना से भी ज्यादा हीरा बनना चाहते, तो सोना कौन बनता है, जितना आप आग में मिट्टी में उसको आप तपाएंगे गलाएं ये जलाएंगे वह सोना उतना चमकता। उसी प्रकार जिस कोयले के ऊपर में इतना ज्यादा दबाव वर्षों तक पड़ता है वह हीरा बनता है, ठीक है। तो आप जितना कष्ट आप एज ए स्पिरिचुअल सोल्जर यू मस्ट नॉट सर्च फॉर ओनली प्लेजर एंड कंफर्ट, बी रेडी फॉर ऑल सॉर्ट्स ऑफ सफरिंग्स, लेट सफरिंग्स योर एसेट, सफरिंग्स विल हेल्प यू इन एस्टैब्लिशिंग वसुधैव कुटुंबकम। एक आध्यात्मिक सैनिक होने के रूप योगी हैं तो आध्यात्मिक सैनिक हैं, आप सभी फौजी हैं, आप सैनिक हैं, सिपाही हैं। आपको अगर आप रात के 2 बजे भी सोते हैं और 5 बजे भी आपको जगना है तो आपको अपने शरीर को नियंत्रण करके आप अपने अपने पंच महाभूत को कंट्रोल करना कैसे है और आपके मन को मना है मनुष्य नाम कारणम बंध मोक्ष, अपने मन को कैसे नियंत्रण करना है, इंद्रियों के आकर्षण को कैसे कंट्रोल करना है, एक योगी करता है और फौजियों को एक्सटर्नल फोर्स से करना पड़ता है। लेकिन जो फौजी आंतरिक रूप से हितरते शासनम इति अनुशासनम वह फौजी एक योगी होता है। इसीलिए आपको एक आध्यात्मिक सैनिक बनना है जो कि हर तरह के कष्ट को बर्दाश्त, ठीक है, और उस कष्ट को आप बर्दाश्त करते हुए आप जीवन में सफल हो। तो आपको जितना आपको कष्ट यानी आपको कहें नारायण की शक्ति शिव की शक्ति आपको चाहिए तो आपको पैसा आएगा यानी शक्ति आएगी। तो आपको 1 महीने के अंदर में हम आपको वह विद्या देंगे और हमारी पूरी टीम, हमारी पूरी जो डिजिटल मार्केटिंग टीम आपको क्लासेस दिलाएगी, चाहे आप इंडिया में कहीं भी रहें आपको क्लासेस दिलाएंगी। आपको खुद भी मेहनत करके क्लासेस प्राप्त करनी है, क्लासेस आप हमारे साथ में करेंगे, यानी आपको जो भी व्यक्ति मिलेगा पेशेंट मिलेगा उनकी पूरी हिस्ट्री पूरी उसकी जो जो केस हिस्ट्री है जिसका फॉर्म एक होगा वो भर करके शेयर करें, फिर उसमें कौन सा आसन प्राणायाम और आहार उसका होगा वह निर्धारित करके आपको बता दिया जाएगा कि आप ये सिखाइए और वो आप उनको सिखाएंगे। चूंकि पोस्चर्स आप पहली चीज है
जैसे मैं इतनी देर से पद्मासन बैठा हूँ और आपके साथ आराम से ऐसे करके पद्मासन लगाता हूँ, यह आपके पोस्चर्स आपकी यह मजबूत होनी चाहिए, ठीक है। तो ये पोस्चर्स की प्रैक्टिस आपको डेवलप करनी होगी और आपके बॉडी को स्लिम और अर्थराइटिस मुक्त, यानी जोड़ों को, ज्वाइंट्स को खोलना, जो यहाँ पर संजना और आर्यन, संजना अभी लीव कर गई, आर्यन आपको एडवांस योग के कुछ डेमो और इनके बहुत सारे साथी आपको ये करेंगे, ये सब आपको आपको बताएंगे कि कितना आपके बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी हो सकता है, ठीक है। तो आप उसको डेवलप करेंगे, लेकिन यह समझ लीजिए कि रबड़ की तरह आप बॉडी को मोड़े वह योग नहीं आज जो हो रहा है योगा कॉम्पिटिशन, इसीलिए आपको योग के बहुत सारे आयाम पर आपको हमने आज चर्चा कर लिया, रिकॉर्डिंग दोबारा सुन लीजिएगा जो लोग ये हुए। तो हम पैसे कमाने की बात ये कह रहे थे कि आप जहां भी रहेंगे वहां पर आप इस पर करें, जहां तक योग चिकित्सा और पंचकर्म और नेचुरोपैथी की बात है वह आपको समय लगे, उसमें आपको इस 3 महीने की कोर्स के बाद आगे की कोर्सेज एडवांस में आप करते रहना। आयुर्वेद की कोर्स 1 साल की कोर्स है, उसको आपको साथ साथ आपको हम चलाएंगे, पंचकर्म की कोर्स हम आपको साथ साथ चलाएंगे, यह सब आपको थ्योरी और प्रैक्टिकल के साथ आपको सीखते हैं। 1 साल का वह कोर्स जो मैंने लिखा है आपको मैसेज में, साथ साथ आपको हम कराएंगे, उसकी आपको जैसे जैसे आप कमाते जाएंगे आप गुरु दक्षिणा सहयोग आप देते रहेंगे। तो हम आपको दूसरी बात और बता दें, एक तो हो गया कि आपको क्लासेस मिलेंगे, आपको पेशेंट्स मिलेंगे, दूसरा आपके साथ हम फ्रेंचाइजी मॉडल पे सेंटर्स, वेलनेस सेंटर्स, जैसे यहाँ एक केंद्र बनाया वैसे आपके जगह पे जहाँ आप रहते हो वहाँ बनाएंगे, वह इसमें हम लोग मिलकर के इन्वेस्टमेंट करेंगे और वह सेंटर के आप सेंटर इंचार्ज होंगे और उस सेंटर को आपके अगर ऑलरेडी सेंटर हो तो उस सेंटर को हम लोग बड़ा बनाएंगे, सरकारी सहयोग करेंगे हम। मैं पंडित दीनदयाल संस्थान का राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो पंडित दीनदयाल संस्थान के तरफ से जो पूरे देश में यह संस्थान काम कर रही है 25 वर्षों से, पंडित दीनदयाल जी के लोग जो हैं उसमें जुड़े हुए सरकार में आज हैं अच्छे पोस्ट पर हैं, तो उनके मदद से मैं जगह जगह के केंद्र पर जो प्रधानमंत्री जी की जो योजना है योग वेलनेस केंद्र, उसको कल एक सज्जन ने हमें कॉन्टेक्ट किया देवरिया से जो योग वेलनेस केंद्र के वह आयुष मंत्रालय के तरफ से वहाँ वहाँ के चिकित्सक हैं, योग चिकित्सक, तो उसका उसकी आपको क्वालिफिकेशन के लिए मिनिमम पीजी डिप्लोमा इन योगा या नहीं तो एमए इन योगा होना चाहिए, तो उसका आपको सरकारी जो आपको मान्यता मिलेगी तो उतने लेवल तक आपको, आप लोग जो एमए योग कर लिए हैं तो आप एलिजिबल हैं, जो लोग नहीं किए हैं तो आपको करना होगा, सरकारी सर्टिफिकेट आपको चाहिए, ठीक है। तो उसके हम साथ साथ इसीलिए कोर्स करा रहे हैं ताकि आपको उसका एग्जाम आप दे सकें, ठीक है ना। एक यह है, उसके बाद आप उसको अगर आपको वेलनेस सेंटर सरकार के तरफ से मिल जाता है या आपकी सेंटर को एफिलिएट करा के सरकारी मान्यता मिल जाती है वेलनेस सेंटर की, तो आप फ्री निःशुल्क योग सिखाएंगे, निःशुल्क योग चिकित्सा देंगे, सरकार से आपके पास आपके और आपके स्टाफ को सैलरी मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा आपका हुनर तो है ही, आप उसके अलावा और भी चिकित्सा कीजिए, जैसे बाकी सरकारी हॉस्पिटल्स होता है डॉक्टर्स अपनी प्राइवेट प्रैक्टिसेस करते हैं, अब सरकार से उसकी के लिए कितनी परमिशन है, कितना आपको समय मिलता है वो अलग बात, ठीक है। तो इस तरह से आपको पैसे कमाने के बहुत आयाम है और प्राइवेट प्रैक्टिसेस आप बिल्कुल टॉप क्लास इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का आप सेंटर बनाइए, जहां पर लोग हवाई जहाज से उतर के आपके सेंटर पे पहुंचे, चाहे एयरपोर्ट से 100 किलोमीटर दूर ना हो, दूर क्यों ना हो, लेकिन आप मान लीजिए आप कहीं पर हैं जो जहां पर आपका सेंटर इंटरनेशनली, जैसे मैं इटली में इटली के उस संस्था के साथ जुड़ करके आपके साथ आज बात कर रहा हूँ, तो इटली के मिलानो की वह ब्रांच के साथ आनंदम गुरुकुल जहां जहां खुलेगा, तो आपके पास इटली या यूएसए या जर्मनी या कहीं से भी कोई भारत भ्रमण करने आ रहा तो आपके केंद्र में पहुंचना चाहिए, ऐसा आप उनको इस तरह का क्वालिटी देंगे, ठीक है। यह सब आपके उस लेवल तक हम आपको ले जाना चाहते हैं। अंत में मैं फिर से वह कहूँगा कि यह व्यापार नहीं है,
या सेवा है, इसीलिए भगवान कृष्ण की भक्ति और उनकी पार्थसारथी कृष्ण के रूप में शक्ति, यानी ब्रज के कृष्ण की भक्ति और पार्थसारथी कृष्ण के रूप में शक्ति, यह दोनों आपको अर्जित करना है, भक्ति और शक्ति। शिव की, शिव के वज्र कठोर कुसुम कुर, शिव के भोले बाबा, भोले बाबा की उसकी भक्ति और शिव की वो शक्ति जो तांडव की शक्ति, वह सब आप अर्जित करें और मानवता का कल्याण करें। लेकिन अन्याय को कभी बर्दाश्त करें, कभी कोई ये नहीं हो। और जितनी बहने हैं आप लोग योग के साथ साथ, आपको निवेदन करूंगा कि आप मार्शल आर्ट भी, ठीक है, वो आपको अपने से सीखना होगा, क्योंकि आपकी फ्लेक्सिबिलिटी के साथ साथ आपकी योग उसको सपोर्ट करें, ठीक है। तो यह सब होगा और सेवा के साथ आप मानवता का कल्याण करें, ज्यादा से ज्यादा घरों में पहुंचें और घर में लोगों को जागृत करें, जितना ज्यादा आप हो सकता है लोगों को काउंसलिंग करें और उनको आप इस चिकित्सा के क्षेत्र पर लाएं और उनको एलोपैथी की इस पूरी जो परेशानी है और आज जो इस जो महामारी के नाम पे जो इस तरह का मायाजाल और साजिश हो रहा है, इससे हम लोगों ने हमारे मित्रों ने लाखों लोगों को बिना मेडिसिन के बचाया है कोरोना काल में। इसीलिए आपको सबको ये हुनर आपके अंदर आएगा और सब लोगों को मैं बता दूं, 44 बीमारियां WHO ही निर्धारित किया है, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज यानी शुगर बीपी और अर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस, ओबेसिटी, ये सब बीमारियां का क्योर नहीं है एलोपैथी। और फिर किडनी फेल हो गया, हार्ट फेल हुआ या कैंसर हो गया, उसका इलाज नहीं है उनके पास। और छोटे मोटे बहुत सारे ऐसी बीमारी, इसका इलाज हमारे पास है और आप लोग सब लोग पूर्ण चिकित्सक बनेंगे, यह हमारा ये है। और ईश्वर की कृपा हुई तो आयुष मंत्रालय की तरफ से यह कोर्स डेवलप होगा और इस कोर्स को आप लोग सब लोग इस कोर्स को पूरा करके इसकी डिग्री भी मिलेगी आप लोग को, जिसमें होलिस्टिक हेल्थ थेरेपिस्ट आप होंगे, यानी डॉक्टर ऑफ होलिस्टिक, जिसमें कि आप लोग योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, एक्यूप्रेशर, पंचकर्मा, पंचगव्य चिकित्सा, जो गाय की जो चिकित्सा है, गोबर, गोमूत्र, दूध, दही, घी, वह मर्म चिकित्सा, यह सब पूर्ण चिकित्सा, हाँ होम्योपैथी भी, यह सब सीखेंगे और यह सब सीखेंगे एक ही व्यक्ति के अंदर सारे, यह हम लोग डेवलप करेंगे, उसकी पूरी कोर्स डेवलप होगी। और आपको पहले हम लोग सर्टिफिकेट कोर्स से शुरू कर रहे हैं अभी, इसके बाद इसके डिप्लोमा का डिग्री जब सरकार की मान्यता मिलेगी, ठीक है। तो अंत में ओमकार से समाप्त करेंगे, सभी लोग सीधा बैठते हैं। एक और किसी को कुछ बोलना है क्या, किसी को कुछ पूछना है क्या? जी योगी जी, करें समाप्त। योगी जी, वो 5 से 7 का टाइमिंग है मॉर्निंग के अंदर, वो मेरे लिए थोड़ा सुटेबल नहीं है। हाँ तो इवनिंग का रखा है ना, सेम चीज रिपीट हो, सेम चीज रिपीट है जी, सेम चीज ठीक है। जो सुबह हम प्रैक्टिस, जो मान लीजिए 4 आसन हमने सुबह में प्रैक्टिस, तो 4 आसन शाम को भी प्रैक्टिस करें। अब इन दोनों में से कोई एक अटेंड करना चाहिए, अगर आप इसके बाद भी मिस कर जाते हैं, जैसे माताओं को मासिक के समय में योगासन नहीं करते है ना, तो उस समय उनको वो आसन नहीं करेंगे, आप वीडियो ऑफ करके रख सकते हैं, लेकिन वो देख तो सकती हैं, है ना जी, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं, इसीलिए आपको लेकिन अटेंड करना, ओके। और उसके अलावा क्या कहते हैं, जो थ्योरी क्लास है उसके बारे में और किसी को कुछ बोलना है? टाइमिंग जो हमने दोपहर का, वो थ्योरी क्लास दोनों अलग अलग है, दिन में और शाम में, उसको हम लोग देखेंगे किस समय हो पा रहा। आप लोग अपना अपना टाइम बता दीजिए सुटेबिलिटी, मान लीजिए 10 या 11 बजे, वो 10 या 11 बजे, वो दो ही मतलब, या तो दोपहर में 2 बजे 3 बजे 4 बजे होगा, या नहीं तो 11 बजे 12 बजे के आसपास होगा, या दोनों टाइम भी हो सकता है, लेकिन वो रिपीट नहीं होगा, उसको आप मिस कर जाएंगे तो आपको थ्योरी को शाम को रात में सोने से पहले 1 घंटा आपको देना होगा और उसको वीडियो को देख करके तब सोना होगा, ठीक है। अगर कभी कभी वीडियो अपलोड नहीं हो पाएगा रात में, तो आपको दूसरे दिन वो वीडियो देखना होगा,
लेकिन आप मिस कर जाएंगे तो मिस कर जाएंगे, क्योंकि आगे दिन का आप समझ नहीं पाएंगे। और नोट्स बनाना मेहनत बहुत करना है, या सिर्फ चार घंटे आप हम आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपको और चार घंटे मेहनत करनी है, ठीक है ना। चलिए और किसी को कुछ पूछना है? टाइमिंग सबका अपना जैसे सुटेबिलिटी बता दीजिएगा, राइट। पांच से सात में आपको पांच से छह ही क्लास है, छह से सात जो है वो प्रैक्टिकल है, वो आप वीडियो ऑफ करके भी देख सकते हैं। टीचर के रूप में मैं क्लास लूंगा, उसमें कोई एक या दो स्टूडेंट रहेंगे, बाकी सब वीडियो ऑफ रहेगी, ठीक है। जब वो टीचर के रूप में हम कभी आप जब तैयार हो जाओगे, जैसे दिव्या बहन है वो योगा टीचर है, तो मैं उनको बोलूंगा कि चलो आज आप क्लास ले लो, तो वो हम उनको पहले देख लेंगे कि वो क्लास किस तरह ले। क्लास लेने की प्रैक्टिकल हम लोग आपस में ही करेंगे, है ना, एक दूसरे को प्रैक्टिकली कराएंगे, ठीक है, समझ गए। चलिए तो समाप्त करें, चलिए सब लोग ओंकार करेंगे, श्वास भरिए, अपना अपना ऑडियो आप ऑन रख सकते, चलिए श्वास भरिए। हाथ जोड़ी प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, ना कश्चिद् दुख मापुनियात्, सभी सुखी हों, सभी रोग मुक्त हों, सभी हर चीज को शुभ दृष्टि से देखें, परिस्थिति के वश में किसी को कष्ट ना हो। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार। त्रिकुटी को स्पर्श कर हृदय के मन में लाकर आत्मा को दे सकता। ऊर्जा को संपूर्ण शरीर में जस्ट टच करेंगे तो आपकी ऊर्जा आपके शरीर में आती है। आपको ये खासकर जो अगर जैसे पद्मासन या इसमें बैठे हैं तो आपको जो राइट, ठीक है, चलो ओके, ताली बजा के एंड कर दें अच्छे से और जोर से लाफिंग मन से सब लोग अनम्यूट कर लें, तालियों की आवाज सबकी सुनाई दे करें। दिव्या जी आप अनम्यूट करिए, हनुमान जी आप अनम्यूट करिए, ओके, वन टू थ्री, हा 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 हा, वाला करो, हा 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 हा, ऐसे नहीं होगा, पूरा जोर से हंसना, धन्यवाद। आपको अगला क्लास के बारे में इंफॉर्मेशन अभी आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा, ठीक है, शाम का कोई क्लास, शाम का एक पर्टिकुलर क्लास आज ही होगा, ठीक है, जो हम कराएंगे आपको, और दिन का कोई थ्योरी क्लास हो रहा है कोशिश करेंगे कि एक क्लास हो जाए, तो वो तीन या चार बजे सबसे पूछ करके हम लोग करेंगे, वो कर देंगे, ठीक है, और बाकी बातें जो व्यक्तिगत बात, धन्यवाद धन्यवाद। नमस्कार, आप कॉल कर रहे हैं।
क्या सर?